हेलो, वेलकम टू लर्न विद एक्सपेरिमेंट। मैं हूं सौरभ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक मोटर के पास आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आज जो एक्सपेरिमेंट करेंगे मोटर साथ करेंगे, वो भी काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट। तो इसमें दोस्तों हम करेंगे क्या कि जिससे इस प्रकार का जो पाइप होता है, मान लीजिए इसका एंड क्या अगर जाम कर देते जहाँ इसका वाल्व होता, तो उसके बाद अगर मोटर को रन करते हैं तो मोटर के साथ क्या होगा। तो यही एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप सब वीडियो का आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं किस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ देखिए, चापाकल से कनेक्शन लिया गया मोटर का। यहाँ देखिए, इसका आउटपुट पाइप है। और अब क्या करते हैं, मोटर को देखिए ऑन करते हैं। देखिए, जैसे ही मोटर ऑन होगा, देखिए कितना स्पीड से पानी दे रही है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो ये वाल्व है इसको बंद करने की कोशिश करते, उसके बाद देखते मोटर के साथ क्या होता है। तो फाइनली बैक आ गया, इसका वाल्व बंद करेगा, देखते हैं इसके साथ क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही रहे मोटर का कितना ज्यादा प्रेशर बन जाता है जब इसको हम बंद करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हम क्या करें, इसको पहले से ही बंद कर देते हैं अंगूठे की सहायता से, फिर मोटर को हम चालू करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। दोस्तों, अभी आप देखिए कि मोटर को पहले हम बंद कर दिए, तो उसके बाद क्या कि इसको हम इस प्रकार से बंद कर दिए थे मोटर के पाइप को। और फिर जब मोटर को स्टार्ट किया, आप देखे थे कैसे कैमरा पे पूरा पानी डाल था, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था। एक दो बार और ट्राई करते हैं हाथ से बंद करने का, अगर फिर भी हाथ से बंद इसका प्रेशर नहीं हो, तो उसके बाद देखते इसके साथ क्या कर सकते हैं। और तो क्या करते, एक बार हम और ट्राई करते हैं। इस बार क्या कहते, कस के पकड़े रहते इसको हम। तो क्या कहते, मोटर को सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं, हाथ से इसको कितना भी दबाने की कोशिश करते हैं, लगता नहीं कि हाथ से इसको पकड़ के रहना पॉसिबल। तब क्या करें, इसका एंड कैप लगाते, जो यहाँ पे आता है ना इसका जाम करने वाला पाइप, वो लगा के देखते, फिर देखते इसके साथ क्या होता है इस मोटर के साथ। तो दोस्तों, फाइनली आप देखे थे कितना भी हाथ से ट्रैक कर रहे थे, ये बंद नहीं हो रहा था। देखिए, इस प्रकार का हमें एंड कैप ले लिए, इसको बिना ग्लू के लगाते हैं। और इसको क्या करें, हम हाथ से अच्छे से पकड़े रहेंगे। अब देखते हैं मोटर को स्टार्ट करेंगे, क्या प्रॉब्लम होती है मोटर के साथ, क्या होता है। दोस्तों, फाइनली देख सकते इसका पंप फेल हो चुका है, लेकिन देखिए मोटर के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। और इसका आवाज भी देखिए मोटर का कितना बढ़ चुका है। और देखिए इसके आपको हटाते हैं, दोस्तों देखिए किस प्रकार से पानी चलने लगी है। मोटर बंद करो पहले। तो दोस्तों, आप देखी लगे जैसे एंड कैप लगाता है, किस प्रकार से मोटर का पंप फेल होता है। इस बार क्या करते हैं, चलते हुए मोटर में इसी एंड कैप को लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, फाइनली आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसका हम वाल्व बंद कर दिए हैं। तो आप देखिए, जब चलते हुए मोटर में एंड कैप लगाते हैं, किस प्रकार से परेशान भरते जाती है और लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो एक आखिरी बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं किस प्रकार से पूरा इसका हम पानी बंद कर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ तक आप देख ही ले मोटर के साथ इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी मोटर में कोई खराबी नहीं आ रही है। एक आखिरी बार क्या करते, इसे इनका आपको अच्छे से लगाता, फिर मोटर को स्टार्ट करके देखते, थोड़ा देर छोड़ के देखते क्या मोटर फूक जाती है या फिर इसके साथ क्या होता है। इस प्रकार की अच्छे से इसको बंद कर दे, मोटर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मोटर का साउंड किस प्रकार थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि इसका पंप जो है ये बिल्कुल फेल हो चुका है, फिर मोटर देखिए चल रही है। तो थोड़ा देर इसको चलने से फिर क्या करेंगे, इसके आपको हटाएंगे और देखेंगे क्या होगा फिर। तो आप देखिए किस प्रकार से बुलेट की तरह इससे आवाज आती है, कैसे इसका देखिए पूरा पाइप खुल चुका है। वापस से देखिए पानी अच्छे से दे रही है, मोटर में कोई सा भी खराबी नहीं हुआ। इसको अगर बंद भी कर देते हैं तो
दोस्तों फाइनली अभी तक आप देखे कि मोटर के साथ इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कि इसका पूरा हम पाइप ही जाम करते, उसके बाद जब मोटर को चलाए तो सिर्फ ये देखने को मिल रही थी इसका जो पंप है वो फेल हो जा रही थी। तो अगर थोड़ा बहुत इसको चलाएंगे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसे मोटर चलते रहा तो हो सकता है इसका पंप का अंदर का जो सेक्शन वो खराब हो जाए, या ये भी हो सकता है मोटर अगर ओवर हीट हो जाए तो मोटर का कॉइल भी जल सकता है। तो फिलहाल आज के इस एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट में इतना ही। इसी प्रकार का एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।